अस्सलामुअलैकुम यूनिटी न्यूज स्टूडियोज में मैं हूँ आकाशा यासीन। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी का हर साल अशराए तकरीम शहदा मनाने का ऐलान। मजलिस वहदत मुस्लिमीन जिला रावलपिंडी इस्लामाबाद के ज़ेरे एहतमाम शहदाए जहां बिलखसूस शहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीम शहदाए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इमाम बारगाह जामियतुल अलसादिक में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम फर्जंदान शहदाए मिल्लत बुजुर्गों नौजवानों बच्चों खातीन और मुख्तलिफ शुबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने शहीद कासिम सलमानी शहीद महंदस मेहंदी उनके रुफ़ा और दीगर शहदाए मुल्क व मिल्लत को खराज अकीदत पेश करते हुए हर साल अशराए तकरीम शहदा मनाने का ऐलान किया। नवाज शरीफ की वापसी अदालत को अब खुद नोटिस लेना चाहिए था। फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक BBC से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने जमानत दी थी कि वो 4 हफ्तों के बाद अपने भाई को वतन वापस लेकर आएंगे। ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हुकूमत उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी। बिलावल भुट्टो साहब आपके बड़ों को मुल्क तोड़ने की आदत पड़ गई है, मुस्तफ़ा कमाल। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो साहब आपके बड़ों को मुल्क तोड़ने की आदत पड़ गई है। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में 2021 में 210 कश्मीरियों को कत्ल किया, रिपोर्ट। कश्मीर मीडिया सर्विस की जानब से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय फौजियों ने 65 कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में कत्ल किया जबकि उनकी हिरासत में थे। बयान में कहा गया कि सिर्फ दिसंबर 2021 में भारतीय फोर्सेज ने 31 कश्मीरियों को कत्ल किया, जिसके नतीजे में खातून बेवा और 2 बच्चे यतीम हो गए। भारतीय फोर्सेज की कार्रवाइयों के हवाले से कहा गया कि फौज और पुलिस के अहलकारों की जानब से किए गए बदतरीन तशद्दुद के बाद 6 अफराद जख्मी हुए जबकि नौजवानों समेत 94 शहरियों को गिरफ्तार किया गया। ईरान ने ताकत का तवाज़ुन बदल कर रख दिया, अमरीकी जरीदे का एतराफ़। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्कर ने ईरान की मिसाइल ताकत के बारे में अपने जायजा रिपोर्ट में लिखा, आज तेहरान जदीद तारीख के हर दौर से ज्यादा असर रसूख का मालिक है। जरीदे के मुताबिक कोई भी अमरीकी सदर मगरबी एशिया में ईरान के सियासी और अस्करी असर रसूख का रास्ता रोकने में कामयाब नहीं हो सका है। और साल 9 की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नए साल के आगाज पर मुल्क में बर्फबारी के एक और सिलसिले ने एंट्री दे दी। सिकरदू गिलगित हंजा चलास और ज्यारत में बर्फबारी से पहाड़ सफेदी में छुप गए। दियामर समेत गिलगित बल्तिस्तान के बाला इलाकों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बाबूसर टॉप नांगा पर्वत बटुगा टॉप समेत दीगर बाला इलाकों में बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। फिलहाल के लिए इतना ही, मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए यूनिटी न्यूज़।